आप किसको किसको फ्रिज दे रहे हो? सबको जिसका माल बिकता नहीं उसको फ्रिज ढेर लगाया हुआ है। मुझे कौन सी फ्रिज दे हुई है? ये दी हुई है 16-17 लाख का मैंने माल बेचा पेप्सी का, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं दी है ना मैंने ली है। डी फ्रिज दे जो देना है तो नहीं देते तो ये उठा लो भाई, मेरा चेक वापस करो। आ जाओ, ये क्या है? पेप्सी ले, मुझे कोई फ्रिज नहीं दे रहे। एक बड़ी फ्रिज दी है किसी काम की नहीं है, वो बड़ा सा कूलर दिया हुआ बस उसमें नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने अपनी फ्रिज में लगाई हुई मैंने बोतल, ये चेक करें। कोई दिखा के दिखाया दुकानदार कोई ऐसा है कोई दुकानदार दिखाए कोई ऐसा काम करता हो जाए? मैं अपनी फ्रिजों में मैंने माल लगाया हुआ यार, ये कोई बात है करने वाली? हम इतना उसका माल भी भेजते हैं, उसकी डेली वीडियो जाती है, पूरी दुनिया में जा रही है। ये तो पैसे दे के अपनी वीडियो बनाते हैं तो हम तो फ्री कर रहे हैं, फ्री उसकी मशहूरी कर रहे हैं, ठीक है ना? फ्री मशहूरी उसकी कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये बोतलें, ये लो, ये चेक करो, ये किसकी फ्रिज है? ये तो पेप्सी की थोड़ी फ्रिज है। मुझे इस तरह की फ्रिज देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो ये फ्रिज अपनी अंदर आपको दिखाता हूँ कौन सी फ्रिज है। आए दिखाता हूँ, वो अपनी फ्रिज उठा ले, सीधी बात है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी फ्रिज है अभी। अब ये फ्रिज है हमदा भाई, जुमान भाई, ये फ्रिज है। अब इसका दुकान का मुझे 50,000 इसका बिल आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये बेच रहा हूँ, ये भी 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 बेच रहा हूँ, ये सारी बोतलें मैं बेच रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे से 10-15 रुपये हक नहीं है मेरा, बत्ती भी चला रहा हूँ, लड़के भी काम कर रहे हैं, मेरा हक नहीं 10-15 रुपये का। अब ये देखें, ये डीवी लट गया, ये सारी बोतलें बेच रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि वो फ्रिज कहाँ है? अब डेली बोतलें घुसाई हैं तो बोतलें डेकोरेशन दी हुई है, यहाँ तो मुझे फ्रिज भेजें या तो अपनी ये बोतलें फ्रिज उठा लें, ये वाली फ्रिज उठा लें, मुझे फ्रीजर देना है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो ये भी ले जाए। पहले मैंने कोक ही चुकाई है, मैंने पेप्सी वाले आप खुद ही ले जाए, मेरा चेक वापस करें तो ये ले जाए। मेरा हक नहीं है कि मैं 50,000 की 40,000 की बत्ती साड़ रहा हूँ, और ये चलो ये 50 की पड़ी है, मैं 70 की दे रहा हूँ, मेरा हक नहीं 15-20 रुपये। इसके लड़के भी काम कर रहे हैं, दुकान का भी किराया निकालना है, कौन सा ये कलून है मुझे बताओ ना। आप इतने रेट बढ़ाई जा रहे हैं, मैं जब नई नई मैंने ली है तो 380 का डाला था, ये 380 रुपये का, 330 का था, अब ये 500 के ऊपर चला गया, 550 के ऊपर चला गया, तो मेरा हक नहीं है। या आप उसको ठंडी करना, हाल ही का वाला बत्ती आ नहीं रही, गाहक ठंडी बोतल मांगता है, तो उन्होंने ये कहते हैं मजिस्टर कहता है जी हाँ बोतल महंगी थी हमने बेचने दे दी, ये बार 100 रुपये ये बोतल बार 200 की बिक रही है, ये बार 100 की बिक रही है, ये भी बार सिर्फ 100 रुपये की बिक रही है, जाओ किसी बड़े रेस्टोर में जाओ आपको पता चले, ये भी सारी महंगी महंगी बोतलें बिक रही है। अब एक ही फ्रिज में मैंने सारा माल घुसाया, ये चेक करें, एक ही फ्रिज में 1.5 लीटर भी है, पानी भी है, ये बोतल भी है, ये 1.5 लीटर भी है, और ये मैं को दिखाता हूँ, ये बोलो, ये सारी बोतलें है, ये लीटर की भी है, सारा माल मैंने इसमें घुसाया हुआ है। आप किसको किसको फ्रिज दे रहे हो? सबको जिसका माल बिकता नहीं उसको फ्रिज ढेर लगाया हुआ है। मुझे कौन सी फ्रिज दे हुई है? ये दे हुई है अपनी, जो मैंने 16-17 लाख का मैंने माल बेचा पेप्सी का, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं उन्होंने दी है ना मैंने ली है, दी ही नहीं उन्होंने, ये दी कूलर दिया, ये फ्रिज है कोई? मुझे बताओ फ्रिज है जो जिसमें मैं आपको मैंने अभी दिखाया ना फ्रिज, वो मेरी फ्रिज है, उसमें डाले वो जो लंबी वाली ना वो मुझे दें, डी फ्रीजर दें जो देना है तो। हाँ जी, लोग कह रहे हैं यार पेप्सी को चुकाओ, पेप्सी को भी चुकाओ, जो कोक को चुका पेप्सी को भी चुकाओ, और लोग गुस्सा भी निकाल रहे हैं, कल मेरा लड़का पकड़ के ले गए, ठीक है कि जी आप महंगी बेच रहे हो, अब मैं उधर जुर्माना भर के भी आया हूँ। मुझे ये बताओ ये कौन सा कलून है, मुझे ये बताएं, ये गलत बात है, अपनी खारे निकालते हैं हर चूल ना अपना क्या अपनी, ये कहते हैं ये 40 की बेचो, ये 40 की बेचो, मुझे ये बताओ ये 40 की बारे में है, कोई बेच रहा है ये 40 की बेचो, बेचो मैं तो बारे में है, लोग 60-60 की बेच रहे हैं, मैं 50 की दे रहा हूँ, यार मेरा कोई हक नहीं है, मैं तो ठंडी भी करके दे रहा हूँ, 32 आ रहा हूँ, लड़के से काम कर रहे हैं, दुकान का किराया निकालना है, दूर की क्यों नहीं सोचता, ये देखे बस बिक्री है इसको ये पता, मुझे बड़ी फिच दें, एक की बजाय 2 दें मुझे, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ।
इरफान भाई मेरी बात सुनो, बोस से बात करो, ठीक है, ये फ्रिज उठाओ, मुझे बड़ी फ्रिज दो दो, जो सूल है नहीं देते तो ये उठा लो भाई, मेरा चेक वापस करो, ये उठा लो, मुझे नहीं चाहिए। कीमत लेने की कोशिश करने लगा हूँ, इसलिए बाना टिकी लेकर आने की कोशिश करूँ, वो काम मेरा इनशाला जारी है। पतीला तो मेरा वो कुंडे वगैरह लग गए हुए हैं, तो इनशाला चला वो उसमें मैंने हीटरों को मैंने बैठा के ना, तो उससे ढक्कन बंद, सर्दी में कहना ढक्कन बंद कर देना। फिर उन्होंने जो कहते ना देसी घी, ये वो पूरा पाकिस्तान देसी घी लगा रहा है, ये पहले सोए थे अब देसी घी निकल के शुरू कर दिए, हर बंदे कह रहा देसी घी देसी घी देसी घी। अब भाई इस तरह का लगा के दिखाओ, इस तरह का मार रखो, ठीक है, और आपको पता चले लोग आपको खाटा अकेले बोले बर्दाश्त करें, खाओ तुम पुख्ता मैं जिले मैं जावा तो खाओ तुम सारे देसी घी देसी घी है वो गल करने ली। बाकी मारा वो पंजाब का देसी घी आ चुका है, मैंने जितने पाकिस्तान में देसी घी है ना मैं सब कोमरे का देसी घी लगा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कोई नहीं छोड़ा मैंने। तो कुछ भाई कह रहे गोरमे की बोतल लगाओ, भाई मैं नहीं बेच सकता भाई, गोरमे की बोतल अब देख लो यार, ब्रांड का ब्रांड को छोड़ गोरमे की, तो कोक को छोड़ने का मकसद ये है, कोक को मेरी गुजराती दुश्मन नहीं है कोक से, सिर्फ ये मुझे पता चला है कि उसमें ना को कैंसर भरा है, बाकी कोक तो बड़ा बड़ा ब्रांड है, बाकी नुकसान है मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे देसी घी में लोग छोड़ते कोक में छोड़ेंगे, और लोग दरल्ले से बोर्ड लगा रहे कोक का, दरल्ले से खुश होकर लगा रहे, लगाओ लगाओ, मेरी तो काम को आगे बोर्ड नजर आया नहीं आएगा इंशाल्लाह तआला, क्योंकि जब तक उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आती मैं वो फ्रिज नहीं रखूँगा, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी मैं रख लूँगा, मेरा यही है। आए हैं बहुत ज़्यादा किया, तो भाई अभी मेरा अपना नहीं बना यकीन करें, अभी मैं कहता हूँ अपने पास हाथ से मैं फुटपाथ से इधर ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुकरता नहीं मेरे पीछे फीट लगी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफरें भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इनकार ही इसलिए किया कि मैं मुझे ये अल्लाह की दी हुई है, इसको पैसे से मैं तोड़ नहीं सकता, वो कहता है मुझे 1 करोड़ ले लो 50 लाख ले लो दे दो, हमें खुद ही कोई मर्जी से लगा ले तो मैं कुछ पाबंदी नहीं है, पैसे का कभी नहीं बेचूँगा इंशाल्लाह तआला, कोई नहीं आप लाहौर से बात कर लें, जो तो जिद का अल्लाह ने देना है नसीब अल्लाह ने लिखे हुए हैं, तो यही है भाई जान आप ज़रूर आए मेरे पास, हमारा मिनी बुफे चल रहा है 650-700 का बुफे है, अपनी आँखों से चीज़ देख कर फिर खाएं, किसी के फैसला बिल्कुल ना छोड़े।